हेलो गाइज़, हाउ आर यू ऑल। और आज मैं वैसे तो आज संडे, आज तो मैं घर पे हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज शाम इवनिंग के टाइम में कुछ स्नैक्स खाने का मन कर रहा है, तो वही मैं जा रही हूँ आज कुछ स्नैक्स बनाने अपने लिए और प्लस अपने फैमिली के लिए भी। तो ये मैं किचन में आ गई हूँ, तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, देखिए मैं क्या बनाती हूँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैंने प्याज और टोमेटो ले लिया है, मतलब ऑनियन और प्याज ले लिया। अब इसे चॉप करना है, तो देखिए मैजिक से मैं कैसे इसे चॉप करती हूँ। देखिए कितने अच्छे से, मतलब जादू हो गया, बिना चाकू लगाए मैंने चॉप कर लिया। मैंने इसे चॉप फटाफट कर लिया, वो मैंने शूट नहीं किया था। तो चलिए पहले सबसे पहले गैस ऑन करते हैं। तो गैस ऑन करने के बाद ये गैस ऑन हो जाए, ऑन हो गया ये गैस। तो चलिए कढ़ाई बैठाते हैं। तो कढ़ाई बैठाने के बाद मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या बना रही हूँ, वैसे आप लोगों को पता चल जाएगा। पहले डालते सिर्फ इसमें वाटर डालने के बाद मैंने इसे हल्का ऑयल डाल दिया है, और ये जाएगा इसमें पास्ता। जी हाँ, मैं आज पास्ता बनाने जा रही हूँ। तो पास्ता ऑयल मैंने इसलिए डाला क्योंकि वो एक दूसरे में चिपके ना, तो ये जब तक बॉइल्ड होगा तब तक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या ऐड करने वाली हूँ। तो इसमें हल्का नमक जाएगा, हल्का सा नमक जाएगा, ज़्यादा नहीं। तो ये मैं पास्ता केचप ट्राई करने वाली हूँ, पिज़्ज़ा पास्ता, और ये ऑरिगेनो है। पिज़्ज़ा में डालते हैं, तो मैंने सोचा चलो पास्ता में डाल के देखेंगे। और ये ग्रीन चिली है, और अपना ये किसान टोमेटो केचप जो कि हर बहुत काम वाला चीज़ है। तो ये मेरा रेसिपी है, इसके साथ मैं डालने वाली थी। ये देख लीजिए, साथ साथ में बॉईल हो चुका है मेरा पास्ता पूरा अच्छी तरीके से, मतलब तो पूरा घलाना भी नहीं है, हल्का बॉईल हुआ। तो मैंने कढ़ाई वगैरह धो लिया, और इसे मैंने अलग से बर्तन में रख दिया है क्योंकि पानी वगैरह था ना, तो इसे ठंडे पानी से धो के अलग से रख दिया है। और कढ़ाई को वापस से मैंने वॉश करके और इसमें हल्का ऑयल मिक्स कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल हम लोग ज़्यादा खाते हैं, इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल से ज़्यादा हम लोग के घर पे खाना वैसे पकता है। तो इसमें ऑनियन जाएगा जो मैंने चॉप किया था वो। तो ऑनियन को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का फ्राई करेंगे, जस्ट मतलब गोल्डन ब्राउन भी नहीं करेंगे, हल्का फ्राई करेंगे, लाइट फ्राई। उसके बाद इसमें जाएगा ये पास्ता का केचप जो कि पिज़्ज़ा पास्ता दोनों में ही काम आता है। तो मैंने इसे पास्ता में यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 1.5 स्पून दूंगी। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जैसा देख सकते हो कलर बहुत ही यम्मी आ रहा है। उसके साथ मैं टोमेटो केचप यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ये ग्रीन चिली जाएगा इसके अंदर। ओ माय गॉड, ग्रीन चिली मैंने ज़्यादा डाला, तीखा होगा तो मार पड़ेगी, मैं भी नहीं खा पाऊँगी। खैर देखते हैं कैसा टेस्ट होता है इसका। तो कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है, दिखने से आप लोग को भी दिख रहा होगा। और ये स्मिथ एंड जॉन्स का पास्ता मसाला भी मैं ऐड कर रही हूँ इसके साथ, फॉर वेरी गुड टेस्ट बोल सकते हैं। उसी तरीके का मैं टेस्ट इसमें ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं जैसा भी टेस्ट होगा मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्टली शेयर करूँगी। उसके बाद ये टोमेटो गया जो मैंने चॉप करके रखा था मैजिकली। इसे फटाफट मिला लेते हैं, हल्का सा पानी देंगे इसमें, हल्का सा। टोमेटो जो कि अभी मैंने डाला है वो थोड़ा सा इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, हल्का सा पानी देंगे और हाई फ्लेम कर देंगे। थोड़ा सा पानी जो मैंने डाला है वो सूख लेगा। और हल्का सा इसमें नमक मैं डालूँगी। नमक डालने के बाद हल्का सा चीनी डाल देते हैं क्योंकि ग्रीन चिली मैंने ज़्यादा डाल दिया था, शायद तीखा ना हो तो बैलेंस रहेगा, खट्टा तीखा झाल खट्टा सब कुछ का बैलेंस रहेगा, इसलिए मैंने हल्का सा चीनी डाल दिया इसमें। तो अब ये पास्ता जो मेरा ये पास्ता जो मैंने अलग से ठंडे पानी से धो के रखा था, अब इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ। और ऐड करने के बाद इसे फटाफट मिला लेंगे, मिक्सअप कर लेंगे, और हल्का ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो पास्ता ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो इसे हल्का फ्राई करेंगे। जैसे देख सकते हो कलर आ ही गया और मसाले जो है मिक्स हो गया। इसमें ऑरिगेनो मैं हल्का सा डाल देती हूँ कि थोड़ा टेस्ट के लिए। तो ऑरिगेनो डाल के मैंने अच्छे से मिक्सअप कर लिया है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और बहुत ही डिलीशियस कलर, और दिखने से तो कलर अच्छा लग रहा है, खाने पे भी पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं तो जा रही हूँ डिलीशियस पास्ता खाने के लिए। उसके बाद आप लोग को मैं इसका रिव्यू भी दे दूँगी मैंने कैसा बनाया, और फैमिली से भी रिव्यू ले लूँगी। तो फाइनली मेरा ये पास्ता रेडी हो चुका है, और मैंने हल्का थोड़ा सा अपने लिए सर्व कर लिया है। तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं, और दिखने से ही बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, और मुझे भूख भी लगी थी, तो खाने के बाद मिलते हैं। नाश्ता खाने के बाद मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और मेरे घर में सबको चाय बहुत पसंद है और हम लोग सारे ही टी लवर हैं, हम लोग पूरे फैमिली टी लवर है। तो चलिए फटाफट चाय बना लेते हैं। और पास्ता बहुत अच्छा लगा सबको, तो ऑल थैंक्स टू मी। और चलिए फटाफट चाय भी बना लेते हैं, अच्छा सा चाय, उसके बाद मिलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने मिल्क तो ऑलरेडी बैठा दी, उसमें हल्का मैंने वाटर मिक्स किया। तो वाटर मिक्स करने के बाद इसमें मैं हल्का सा चाय पत्ती डाल देते हैं। तो फटाफट चलिए चाय पत्ती डाल लेते हैं और थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाय बनाएंगे कि मतलब शाम के टाइम में थोड़ा स्ट्रॉन्ग टी ज़्यादा अच्छा होता है। और ये जिंजर मैंने ले लिया, जिंजर भी मैं इसके साथ डालूँगी। तो ये जिंजर मैंने डाल दिया इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब इसके अंदर शक्कर जाएगा, मतलब चीनी जाएगा। चीनी ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच इनफ है। और ये मेरा चाय का कलर देख सकते हो, बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग जैसा फ्लेवर भी आ रहा है मुझे। तो ये मेरा चाय बन के हो गया रेडी। तो चलिए चाय को एंजॉय करते हैं। तो फाइनली मैंने अपने लिए चाय कप में ले लिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अपने चाय को एंजॉय करते हैं। रेडी हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो बस और कुछ था नहीं मेरी से ब्लॉग में दिखाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में कुछ न्यू कॉन्टेंट के साथ।